चीन में एक भी हिंदू मंदिर क्यों नहीं है? तो इसका जवाब है, ऐसा नहीं है कि एक भी मंदिर नहीं है, लेकिन धार्मिक आजादी जरूरी नहीं है। चलिए अब बताते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। चीन आधिकारिक रूप से एक नास्तिक देश है। चीन की सत्ताधिकारी कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी धर्म को नहीं मानती और नास्तिक विचार को तवज्जो देती है। आधिकारिक रूप से नास्तिक होने के बावजूद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी धर्मों को नष्ट करने में नाकाम रही। वहाँ के सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन ने कम्युनिस्ट पार्टी के रिटायर सदस्यों को भी किसी भी धर्म का पालन न करने की पाबंदी लगा दी थी। चीन खुद को नास्तिक कहता तो है ही, साथ में ये भी दावा करता है कि सभी धर्मावलंबियों को अपनी आस्था को लेकर पूरी तरह से आजादी है। चीन के सरकारी मीडिया ने कम्युनिस्ट पार्टी के प्रकाशित हुए नियमों का हवाला देते हुए बताया है कि अब पार्टी के रिटायर कार्यकर्ता भी किसी धर्म का पालन नहीं कर सकते। सभी चर्च को सरकार से मंजूरी लेनी होती है। इसके साथ ही चर्च की गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। चीन के शिजियांग प्रांत में मुस्लिम भी कई पाबंदियों के साथ जी रहे हैं। चीन 21वीं सदी में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की पंक्ति में आ खड़ा हुआ है। वो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर देश बन गया है। चीन इतना ताकतवर है, लेकिन इस देश में धर्मों का संसार यहाँ सबसे लाचार है। एक अनुमान के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 8.5 करोड़ कार्यकर्ता है। इन्हें सख्त चेतावनी है कि वो किसी भी धर्म का पालन नहीं करेंगे। अगर कम्युनिस्ट पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी भी धर्म का अनुयायी पाया जाता है तो उसे सजा देने का प्रावधान है। वहाँ की सरकार इस बात को मानती है कि धार्मिक आस्था वामपंथ को कमजोर करती है। पार्टी के सदस्यों को पूरी सख्ती से मार्क्सवादी नास्तिक बनाने को कहा गया है। उन्हें पार्टी का नियम हर हाल में मानना होता है। चीन के पहले कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग ने ही धर्म को नष्ट करने की कोशिश की थी। उन्होंने नास्तिकवाद को बढ़ावा दिया। अगर चीन में धर्म की बात होती है तो तीन धर्मों पर जरूर विचार किया जाता है और ये है कन्फ्यूशनिज्म, बौद्ध और ताइज़ोंग। कम्युनिस्ट पार्टी की सख्ती के बावजूद चीन में धर्म फला फूला है। यहाँ बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और ताइज़ोंग को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। लेकिन इन सभी धर्मावलंबियों को सरकारी चर्चेज, मंदिरों और मस्जिदों के बाहर ही प्रार्थना करनी होती है। पिछले कुछ दशकों में चीन में धर्म को पैर पसारने का मौका मिला। इस दौरान चीन में मंदिर, मस्जिद और चर्च बने। आज की तारीख में चीन में ईसाई धर्म तेजी से बढ़ता हुआ धर्म माना जा रहा है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज भी हमें कमेंट करके बताइएगा। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।